हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑल दी वे फ्रॉम पनवेल। आज का व्लॉग जो है वो हम पनवेल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक ट्रिप कंप्लीट हो गया, दूसरे ट्रिप का प्लानिंग चालू है। प्लानिंग तो वैसे बहुत महीनों पहले से था, बट अब ट्रिप का डेट जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है। कुछ ही दिनों में ट्रिप के लिए निकलेंगे, तो बस नेक्स्ट ट्रिप की शॉपिंग करनी है। तो यहाँ वहाँ बिजी है सुबह से। वैसे तो मैं अर्जुन के साथ बिजी था, अर्जुन का जो सर्विसिंग का टाइम है वो हो चुका है। एक्चुअली मैं 2000 किलोमीटर पे करता हूँ सर्विसिंग, एंड 2000 किलोमीटर हो चुके हैं। बट जब आज मैंने अपना सर्विसिंग के लिए ये स्कूटर दिखाया, तो स्कूटर में पता चला कि ऑयल बहुत अच्छा है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो एक महीना था मैं गांव में था, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, तो गाड़ी ऐसी थी। और जो आने वाले दिनों में फिर बाद में वापस मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जाऊंगा, तो वापस गाड़ी खड़ी रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि ऑयल चेक कर लेता हूँ। इफ़ ऑयल सही है तो सर्विसिंग भी बाद में कर लेंगे, तो जो भी सर्विसिंग है वो अब बाद में ही होगा ट्रिप से आने के बाद। बाय द वे, आज का जो व्लॉग है वो पनवेल से इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैंने जस्ट अभी पूजा को पिकअप किया। पूजा का एक्चुअली ऑफिस तो 6:30 बजे छुटता है, बट आज थोड़ा सा जल्दी आ गई है पूजा, क्योंकि जो शॉपिंग है मेन वो पूजा का करने का है, तो सोचा पूजा को ही मैं लेकर जाता हूँ। नहीं तो वैसे प्लान था कि खुद से जाऊँ और ले लूँ, बट अच्छा वो पूजा आ गई, तो पूजा कैसे वहाँ पे खुद का चॉइस का और चेक करके लेगी तो वो सही पड़ेगा। ओ भाई, यहाँ पर तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। चलो भाई साहब, ट्रैफिक का टाइम हो चुका है, अब बहुत ट्रैफिक लगने वाला है, फटाफट जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, शॉपिंग के निकलने से पहले हमें जाना है न्यू पनवेल, वहाँ से मैक्स का बेल्ट पिकअप करना है। एक्चुअली मैक्स के जो ट्रेनर है उनके पास से मैंने बेल्ट मंगवाया था, तो वही लेना है क्योंकि मैक्स का तो बेल्ट बहुत ख़राब हो चुका है। वैसे तो बारिश अभी तक है, प्लानिंग था कि बारिश के बाद लूँ, बट अभी इतना बारिश नहीं आ रहा है, तो सोचा अब भी ले लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट बेल्ट की हालत ख़राब हो चुकी है। ओह, आज तो यहाँ पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, अपनी मर्जी, सिर्फ आजू बाजू देखो और निकलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, रुक जाओ रुक जाओ। सिग्नल नहीं रहता तो कोई भी नहीं रुकता, तो चलते फटाफट बेल्ट लेते हैं, उसके बाद आगे की शॉपिंग करेंगे जो कि पूजा की शॉपिंग होगी, और मे भी शायद से जो लेना है वो मिल गया तो हमारा भी शॉपिंग हो जाएगा। हाय, कैसे हो? ओ, न्यू कार? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये भी CNG की पेट्रोल है। हाँ, आपने ये बोला था चलेगा। ये डिफरेंट है क्या? वो नायलॉन का ये और ये स्पंज पीसन है। तो आप कौन सा मेरे को बोल रहे हो आप? अच्छा, दोनों सेम है। एक बार ये भी दिखा दो। अच्छा हाँ, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये बंद हुआ, उन्होंने ये स्टार्ट किया। चलो फिर यही ले लेते, पूजा है ले। चलो, मैक्स का भी काम हो गया, मैक्स का भी न्यू बेल्ट ले लिया, मस्त है। अब उसको पहनाने के बाद देखते कैसे लगते हैं। वैसे तो पिछले टाइम भी रेड था, ये भी रेड है, तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बाय द वे, पेट्रोल पंप पे आए हैं, जरा हवा भरा लेते हैं क्योंकि मैंने हवा ही नहीं भरा है। अंकल, नाइट्रोजन है क्या? भर दो ना दोनों में। पूजा उतर, पीछे संभल क्या, एक मिनट, उधर आ रहा हूँ। ऐसा हाफ भरने में कितना लेते हो भाई? ऐसा हाफ भरने में कितना लेते हो? 4 बजे भाई, ऐसा हाफ भरने में कितना लेते हो आप? दोनों टायर का ना? ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, डायरेक्ट भरना है, खाली करके नहीं। हाँ हाँ, अब मस्त लग रहा है। वही मुझे डाउट था, पता है जब तू बैठी ना तो मेरे को थोड़ा ज्यादा ये टाइट टाइट लग रहा था। अकेला चला रहा था तब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा वजन भी हल्का है, और सिंगल में इतना ज्यादा पता नहीं चलता है, जब दोनों बैठे तो मेरे को कुछ ज्यादा ही फर्क पता चल रहा था। अब एक महीने से गाड़ी चली नहीं है, तो फिर ऑफकोर्स थोड़ा बहुत हवा निकलेगा, तो पीछे का जो है वो 5 पॉइंट उतर गया था और आगे का आई गेस 3-4 कुछ तो उतरा हुआ था। तो पूजा और मैं आज हम लोग जा रहे हैं डेकेथलॉन स्टोर बेलापुर में, वहाँ पर पूजा के लिए शूज लेंगे। तो वैसे तो मैंने ऑनलाइन देख लिया था, ऑनलाइन भी डेकेथलॉन का ऐप होता है उसमें देख लिया था, बट मतलब पूजा के साइज का नहीं था, और
कैसे है, अगर स्टोर में जाके देखेंगे तो अच्छा है और वैरायटीज भी ज्यादा मिलेंगे, टेंशन नहीं है, चेक करके लेंगे, इसलिए हम लोग डायरेक्ट स्टोर ही जा रहे हैं। यार बहुत लंबा सिग्नल है यहाँ पे तो। फाइनली पहुंच गए डेकेथलॉन अंधेरा होने से पहले। अब जब घर के लिए निकलेंगे तब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, तब शायद से मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊंगा। लेट्स सी किधर लगाना है गाड़ी। ओ यहाँ पे लगाते, मस्त सामने मिल गया जगह। कितना नंबर है? मुझे भी नहीं पता, ये शायद 5 ही होगा। कैसे दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहन के देख आ जाएगा ये शायद। सो पूजा डेकेथलॉन में फर्स्ट टाइम आ रही है और यहाँ पर वो देख के पागल हो गए, बोल रहे अरे यार कितना सारा है यहाँ पर। एंड सेकंड थिंग, उसे ना सब शूज एक जैसे ही लग रहे, क्योंकि जो शूज का डिजाइन है, आई मीन ये जो ब्रांड का साइन है, सब शूज में ऐसे ही है, तो उसे लग रहा है सब शूज सेम है। आ गया, कैसा है? ओ भाई ये इतना लूज है, एक उंगली जा रहा है पूरा उसमें, एक नंबर छोटा लेना पड़ेगा। पीछे ले पैर, आगे बहुत जगह है, एक नंबर छोटा लेना पड़ेगा। दूसरा देखते, मैं दूसरा लाता हूँ। 37, हाँ ये वाला, ये ले 37 है, ये आ जाएगा तेरे को परफेक्ट। ये बराबर है, हाँ ये परफेक्ट है, हाँ सॉक्स आने के बाद बराबर हो जाएगा ये। इधर भी देख लूज है, शूज ले रहे और पहनने नहीं आ रहा हुआ क्या यार, हर जगह क्या मुझे ही पहनाना पड़ेगा क्या, मैं नहीं रहेगा तो बस। अब चल के देगा, अब मस्त रहेगा। अच्छा लग रहा है, ब्लैक सब में सूट होएगा, चल चलने पे अच्छा लग रहा है ना, सॉफ्ट अच्छा है। फैशन शो नहीं करने गए थे देखने का कैसा हो रहा है, आगे भी जगह है ना इधर। ये देख इतना है हल्का सा, ठीक है ये बराबर हो रहा है। ये कलर अच्छा है पर ये शायद से एक्सपेंसिव वाला है ये, हाँ ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, वही वाला है वो। वैसे तो पूजा को ये कलर और ये कलर पसंद आया था जो कि ये है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है तो ये ने ले रहे, और वो छोड़ के ये वाला पूजा को पसंद आया था, तो ये फाइनल है ना, पक्का निकाल अभी, क्या ये पहन के जाएगी? ये वाला ले तू, ये ये क्या है, ये डिस्को दीवाने, कुछ अलग ही है ना, डन ना, ले लेना पक्का, एक साइज बड़ा नहीं, यही डन। किधर जाने का? इधर बहुत चीज मिलेगा, लेना क्या है? ग्लव्स ये साइड नहीं है, ग्लव्स उधर आगे जाना पड़ेगा। ओए एक नंबर यार, मजा आ रहा है, ये छोटा वाला इसमें बैठ के देखो। ये तो और ज्यादा नीचे, टेंट के अंदर घुस जाओ क्या? अंधेरा अंधेरा लग रहा है। अच्छा है यार, दो जन के लिए अच्छा ही है, 2% इधर वाले चेयर में पूजा चाय का है, इधर दू क्या? ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक ठीक ठाक ठाक, यही अच्छा लग रहा है, टकले के ऊपर अच्छा लग। तू यहाँ से ही जाएगी ना, बैग तो रख रहा है, कैसा हुआ है, बाल उड़ा दिया मेरा पूरा, चल किधर, बाल तो बराबर है, झूठ बोल रही है, बुलाएगी तो नहीं ना सामान लेने, अपने आप ही लेकर आ जाएगी। बाल नहीं लाना। क्या नहीं लाना कुछ ज्यादा सामान? हाँ तो ठीक है, तुम लोग ही लेकर आ जाना फिर। पता था तुम लोग पक्का बुलाओगे, ये एक बैग और वो दूसरा, तीन है, तीन दो जने लेकर आ सकते हो, वाह शाबाश। आज कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया, क्या हो गया? सोनाली कपड़ा देख लिया, बाल, अरे सॉरी सॉरी, अरे लगता है बाल पहले पकड़ा था मैंने।